नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ईद आने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि एक ईद मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैंने क्रिएट की है ये ब्राउन एंड ब्रॉन्ज हेलो स्मोकी आई लुक, और इस लुक को मैंने पेयर किया है एक ऑरेंजिश रेड लिपस्टिक के साथ। तो आप ये लुक जो है ये वेडिंग गेस्ट के हिसाब से भी आप वियर कर सकते हो। फॉर माई इंटरनेशनल व्यूअर्स, प्लीज़ क्लिक ऑन द सीसी बटन फॉर इंग्लिश सब टाइटल्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आप अपनी यूट्यूब ऐप पे जाके वो लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और वो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो भी चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ ए मेबलिन का टैटू स्टूडियो ब्राउ पोमेड, जिसमें मेरा शेड है ब्लैक ब्राउन। और मैं बस अपनी ब्राउज की जो बॉर्डर्स है उसे पहले ड्रॉ करूँगी, फिर छोटी छोटी स्ट्रोक में मेरी ब्राउज को मैं फिल अप कर लूँगी। मैं अपनी ब्राउ का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की थी कुछ ही महीने पहले, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। नाउ आई एम जस्ट कॉम्बिंग माई ब्राउज ताकि कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट ना रहे। अब मैं ले रही हूँ ये मिलानी का कंसीलर, जिसमें मेरा शेड है 135। और मैं बस अपनी जो ब्राउज की बॉर्डर्स हैं उसे ऐसे क्लीन अप कर रही हूँ ताकि मेरी ब्राउज जो है वो थोड़ी शार्प दिखे। उसी कंसीलर को मैं अपनी आई लिड्स पर भी लगा रही हूँ ताकि ये एक आई शेडो की प्राइमर के हिसाब से काम कर सके। अब मैं बस सब कुछ ब्लेंड आउट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यूज़ की है एक डैम्प ब्यूटी स्पंज, और ये स्पंज जो है वो इको टूल्स का है। कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने ली है ये फिट मी का पाउडर, लूज पाउडर, जिसमें मेरा शेड है 15। और सारा शेड, सारा प्रोडक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैं ले रही हूँ रनिंग लेट, मेरी मेकअप रिवोल्यूशन सोफेक्स एक्स्ट्रा स्पाइस पैलेट में से, और बस मैं इसे अपनी ट्रांजिशन कलर की तरह से अप्लाई कर रही हूँ। और ये पैलेट मुझे बहुत बहुत पसंद है। अगर आप कोई भी अफोर्डेबल पैलेट का पहले लेना चाहते हो तो आप ये पैलेट ट्राई कर सकते हो। अब मैं ले रही हूँ स्वीट एंड सावर, जो कि पहला वाला सेट से बस थोड़ा डार्क है, और इसे मैं अपनी क्रीज पर से अप्लाई कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ ये जो ऑरेंज कलर है वो थोड़ी प्रोमिनेंट लगे, थोड़ी स्टैंड आउट दिखे, इसलिए मैं इस कलर को थोड़ा डार्क बना रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ ब्राउनीज उसी पैलेट में से, ये एक डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर है, और इस एल्फ ब्रश की मदद से मैं इसे अपनी आउटर वी एरिया और मेरी इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूँगी। इससे क्या होगा, वो जो हेलो आई इफ़ेक्ट वो क्रिएट होगा। अब बस मेरी इनर कॉर्नर मैं और आउटर कॉर्नर को ऐसे क्रीज के थ्रू मैं ज्वाइन कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं यूज़ की है, मेरी ब्रश में जो भी प्रोडक्ट रह गई थी वही प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ ड्रीम्स, जो कि एक शिमरी ब्रॉन्ज कलर है, और ड्रीम्स को लेके मैं बस अपनी आई लिड पर, जहाँ पर मैंने कोई भी आई शेड अभी तक अप्लाई नहीं की है, वहाँ पर अपनी उंगली की मदद से ऐसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। बस इसे थोड़ा ब्लेंड आउट मैं कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श एज ना रहे। अब स्वीट एंड सावर, जो कि डार्क ऑरेंज शेड था, उसे लेके मैं ब्राउन शेड और जो शिमरी ब्रॉन्ज शेड है उसके बीच में इसे अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक ग्रेडियंट इफेक्ट मुझे मिले और ऐसा नहीं लगे कि एक मैट ब्राउन और फिर फटाक से एक ब्रॉन्ज शिमरी कलर शुरू हो गया, बीच में एक ग्रेडिएशन क्रिएट होगा। अब बस मैं बॉर्डर्स को ऐसे डिफ्यूज़ कर रही हूँ। तो आई मेकअप को मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, मैं अपनी फेस को कंप्लीट करूँगी फिर मैं मेरी आई मेकअप को कंप्लीट करूँगी। उसके लिए मैंने पहले ली है ए एल्फ पोरलेस प्राइमर, और बस मैं अपनी फेस को प्राइम कर रही हूँ। आधा घंटा पहले ही मैंने मॉइस्चराइज़र लगा ली थी। अब मैं कलर करेक्ट कर रही हूँ थोड़ी सी, तो इसके लिए मैंने ली है इलेगल का जो ऑरेंज कलर करेक्टर वो मैंने ली है, और मेरी अंडर आइज़ पे, मेरी माउथ के जो आसपास है वहाँ पे, और जहाँ पे भी मुझे एक्नी स्पॉट है वहाँ पे मैंने इसे लगा ली है। और अब बस मेरी उंगली की मदद से ये मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ। फाउंडेशन के लिए मैंने ली है ये मिलानी का फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड है 05 वार्म बेज, और उसी स्पंज की मदद से मैं बस इसे ब्लेंड आउट कर रही हूँ।
हाइलाइटिंग एंड कंसीलिंग के लिए मैंने ली है वो सेम मिलानिका कंसीलर, और ये जो है मेरी अंडर आईज पे, मेरी फोरहेड के जो सेंटर है वहाँ पे, डाउन द ब्रिज ऑफ माई नोज, क्यूपिड बो, चिन ऑन द साइड ऑफ माई फोरहेड, और जहाँ पे मैं कॉन्टोर करने वाली हूँ ठीक उसके नीचे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। अब बस मैं सब कुछ ब्लेंड आउट कर रही हूँ उसी डैम्प ब्यूटी स्पंज की मदद से। अब बस मेरी अंडर आईज और मेरी स्माइल लाइंस को मैं सेट कर रही हूँ उसी फिट मी लूज पाउडर की मदद से, और मेरी पूरी फेस जो है उसे सेट करने के लिए मैंने यूज़ की है ये रिमेल का स्टे मैट पेस्ट पाउडर जिसमें मेरा शेड है ट्रांसपेरेंट, और ये लार्ज पाउडर ब्रश की मदद से मैं बस पूरी फेस को ऐसे सेट कर रही हूँ, और ये ब्रश इक्वेयर ब्यूटी का है। अब मेरे अंडर आईज़ पे मैं बहुत सारे लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ ताकि अगर कुछ भी आई शेडो गिरे तो वो आई शेडो मैं बाद में डस्ट आउट कर सकती हूँ जिससे कि मेरा बेस खराब नहीं होगा। अब मैं मेरी आईज़ को कंप्लीट कर रही हूँ जिसके लिए मैंने ली है ये जॉर्डाना का इजी लाइनर इन जेट ब्लैक, और मैं बस टाइट लाइनिंग के लिए ये यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी काजल या जेल आई लाइनर यूज़ कर सकते हो। अब मैंने ली है ब्राउनीज़ जो कि वो डार्क ब्राउन कलर था, और ब्राउनीज़ को लेके मैं अपनी जो पूरी लोअर लैश लाइन है उसे थोड़ा स्मज आउट ऐसे कर रही हूँ। अब मैंने ली है स्वीट एंड सावर जो कि ऑरेंज कलर था, तो वो ऑरेंज कलर को लेके मैं ब्राउनीज़ के ही बॉर्डर पे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं एक विंग ड्रॉ कर रही हूँ मेरी वेट एंड वाइल्ड मेगा लाइनर की मदद से, और ये पार्ट मुझे एडिट करना पड़ा क्योंकि ये आउट ऑफ फोकस हो गया था, तो मैं ये पार्ट मैंने एडिट कर दी। अब बस एक्सेस प्रोडक्ट को मैं डस्ट आउट कर रही हूँ। अब मेरी जो नेचुरल लैशेस है उसे मैं इस वेगा आईलैश कलर की मदद से कर्ल कर रही हूँ, और बस एक कोट मस्कारा लगा रही हूँ, ये मेरे वेट एंड वाइल्ड का मेगा लेंथ मस्कारा है। फॉल्स आई लैशेस के लिए मैंने यूज़ की है ये किस आई लैशेस इन द स्टाइल गाला, और मैं बस ये मेबलिन का मोल्टन गोल्ड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मेरी ब्राउ बोन्स एंड मेरी इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए। और यहाँ पे जो है मेरी आई लुक कंप्लीट हो चुकी है, और मुझे ये आई लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया, और ये लैशेस भी बहुत ही अच्छी है। अब मैं मेरी फेस को कंप्लीट करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने ली है ये मेकअप रिवॉल्यूशन ड्यूओ फेस स्कल्प्ट, और इसमें से कॉन्टोर शेड लेके मैं बस अपनी फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ, यानी कि मेरी हॉलोज ऑफ चीक्स, माई जॉ लाइन, फोरहेड एंड माई नोज। मैं बहुत ही जल्दी एक ट्यूटोरियल करने वाली हूँ, आप देख सकते हो मेरी एक राउंड फेस है, इस राउंड फेस को कैसे आप कॉन्टोर कर सकते हो इसके ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब मैं ले रही हूँ ये कलर पॉप का ब्लश जिसमें मेरा शेड है ग्लो ग्रोथ फ्लर्ट, और इस स्टिपलिंग ब्रश की मदद से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। मैं ये ब्लश फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी और ये ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब बस मैं मेरी चेहरे की जो हाई पॉइंट्स है उसे हाईलाइट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यूज़ किया वही मोल्टन गोल्ड हाईलाइटर, और इस फैन ब्रश की मदद से मैं बस हाईलाइट कर रही हूँ। अब मैं पूरी फेस को मैं सेट कर रही हूँ ये एल्फ मेकअप सेटिंग स्प्रे की मदद से। लिपस्टिक के लिए मैंने ली है ये फिजिशियंस फार्मूला का लिपस्टिक जिसमें मेरा शेड है रेड स्टोरेटिव इफेक्ट, और इसे बस मैं अपने लिप्स पे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। और मुझे लगा कि ये शेड जो है ये उस आई लुक के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो मेरी लुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बस मैं ज्वेलरीज पहनने वाली हूँ, आउटफिट पहनने वाली हूँ, और यहाँ पे जो है मेरी लुक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये लुक आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी मेरे चैनल के बारे में पता चले। और ईद मुबारक आप सभी को। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद जो है वो बहुत बहुत अच्छी जाए, और अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप फॉलो करो, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय एंड टेक केयर।